Hello and welcome to GeoMind app. This is the lecture number 5 on paleontology, and today we are going to discuss the phylum Brachiopoda. Okay, very important phylum for your examinations, IIT JAM ke liye, JSI ke liye, GATE ke liye, sab mein ye important hai. To isko aaj hum discuss karenge is lecture mein. Usse pehle, in the previous lecture, that is lecture number 4, we discussed the corals or anthozoa. Okay, तो corals के कुछ questions हमने discuss किए थे, जैसे कि ये question मैंने आपको पूछा था कि entire skeleton of a solitary or of a coral colonial coral is known as. तो ये question UPSC में पूछा गया है, ठीक है? तो ये मैंने बोला था कि अगर colonial और solitary दोनों का entire skeleton पूछा गया है, तो answer क्या होगा? Corallum. Okay, और कोरलाइट कब होता है? जब आपके पास पूरी कॉलोनी होती है कोरल्स की, और उसमें से किसी इंडिविजुअल कोरल को पिक किया जाता है, उसका स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन को हम क्या बोलते हैं? कोरलाइट. बट अगर नॉन कॉलोनियल है, यानी कि सोलिटरी कोरल है, तो सोलिटरी कोरल के एक्सोस्केलेटन को हम क्या बोलेंगे? कोरलम, ठीक है? और कॉलोनियल कोरल के पूरे एक्सोस्केलेटन को हम क्या बोलेंगे? कोरलम, ठीक है? फिर ये हमने डिस्कस किया था कार्डिनल फॉस्यूला, ठीक है, ज़ेफ्रेंटिस, ठीक है? तो ये हमने डिस्कस किया था. तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं ब्रैकियोपोडा के बारे में. तो देखो, ब्रैकियोपोडा जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, ब्रैकियल एंड पोडा. ब्रैकियल का मीनिंग होता है आर्म, पोडा का मीनिंग होता है फुट. ओके, यानी कि आर्म प्लस फुट. ओके, अब ये आर्म क्या होती है, ये आर्म हम आगे देखेंगे इमेजेस में, ठीक है? तो पेलियोजोइक बेसिकली एज ऑफ ब्रैकियोपॉड्स कहा जाता है, ठीक है? होपफुली आपको पता होगा पेलियोजोइक क्या होता है. सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल की इंपॉर्टेंस बताई थी. ओके, तो एज ऑफ ब्रैकियोपॉड्स पेलियोजोइक को कहा जाता है. इसका मतलब यह है कि पेलियोजोइक टाइम्स में, ठीक है, आपके कैम्ब्रियन से लेके परमियन तक ब्रैकियोपॉड्स पर वेरी डाइवर्स, ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग द ऑर्डोवेशन टाइम. ओके, सो ब्रैकियोपॉड्स आर एंटायरली मरीन, ठीक है, यानी कि एंटायरली ओशंस या सीज में पाए जाते हैं. ये होते हैं ससाइल. ससाइल का मीनिंग होता है कि ये एक ही जगह पे रहते हैं, ठीक है, यानी कि कैन नॉट मूव. ओके, ससाइल मीन्स दे आर फिक्स्ड एट वन प्लेस एंड दे कैन नॉट मूव. दे हैव बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है, अब इसको हम डिस्कस करेंगे आगे, इसको अभी रहने दो, ठीक है? अभी आप इतना समझ लो कि ये सिमेट्रिक एनिमल्स होते हैं. इनके पास एक फीडिंग ऑर्गन होता है जिससे ये खाना खाते हैं, ठीक है, बेसिकली फूड इनके अंदर जाता है. ये सीलिएटेड होता है, यानी कि इसमें कुछ इस तरीके से हेयर्स बने होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोफोफोर. क्या बोलते हैं? लोफोफोर. तो ये जो ऑर्गन होता है, फीडिंग एपरेटस या फीडिंग ऑर्गन, जो कि एक सीलिएटेड ऑर्गन होता है, इसी को हम बोलते हैं लोफोफोर. और नाम जो है ब्रैकियोपॉड का, जिसमें ब्रैकियल आर्म यानी कि ब्रैकियल जिसको हम बोलते हैं, उसका बेसिकली मतलब ही क्या होता है? लोफोफोर, ठीक है? तो उस लोफोफोर को ही हम आर्म कहते हैं, ठीक है? अभी हम इमेजेस में देखेंगे आगे, ठीक है? तो जनरली ये पेलियोजोइक में क्या थे? डोमिनेंट थे, लेकिन अभी भी ये अलाइव हैं. इनके कुछ जेनरा अलाइव हैं, ओके, जीनस अलाइव हैं, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये पेलियोजोइक में काफी डोमिनेंट थे, ठीक है? तो परमियन जो एक्सटिंक्शन हुआ था, परमियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन, आपको पता है कि हमारी जियोलॉजिकल हिस्ट्री में 5 मेजर एक्सटिंक्शन हुए हैं, ठीक है, 5 मेजर एक्सटिंक्शन, ठीक है? तो जब हम मास एक्सटिंक्शन पढ़ेंगे तब हम इनके बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे डिटेल में उस लेक्चर में.
अभी आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि हमारे जियोलॉजिकल हिस्ट्री में 5 मेजर एक्सटिंक्शन हुए थे, ठीक है। जैसे कि डायनासोरस का एक्सटिंक्शन किसकी वजह से हुआ था, अपना एस्टेरॉयड इम्पैक्ट की वजह से, ठीक है। इसकी मेरी केटी एक्सटेंशन की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है, उसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से सबसे बड़ा एक्सटिंक्शन जो हुआ था वो परमियन ट्रायसिक कैटास्ट्रोफी थी। परमियन ट्रायसिक का एक्सटिंक्शन हुआ था, ठीक है, साइबेरियन वॉल्केनिज्म की वजह से। और ठीक है, तो पीटी एक्सटिंक्शन में काफी ज्यादा ब्रैकियोपॉड्स जो थे वो सफर किए, ठीक है, सम ऑफ देम वेंट एक्सटिंक्ट, ओके। तो पीटी के बाद वो पहली जैसी डाइवर्सिटी नहीं थी जो कि पेलियोजोइक के टाइम पे थी ना। तो परमियन के बाद आपका मीजोजोइक आता है, मीजोजोइक के बाद ये उतने ज्यादा अच्छे से डाइवर्सिफाइड नहीं हुए, ठीक है। तो टुडे फ्यू लिविंग स्पीशीज आर ऑल्सो नोन एज लिविंग फॉसिल्स। मैंने टाइप ऑफ फॉसिल में डिस्कस किया था कि जो अभी तक जीते आए हैं, जिनमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, तो उसमें से एक इसका जीनस है लिंगुला, ठीक है। उसका नाम क्या है? लिंगुला। ये पूछा जाता है बार बार कि वन ऑफ द विच इज द लिविंग स्पीशीज, और यू कुड से लिविंग फॉसिल ब्रैकियोपॉड, ठीक है। तो उसमें आपको ध्यान में रखना है लिंगुला, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं इमेजेस पे, ठीक है। तो लोफोफोरेट्स बेसिकली फाइलम्स ब्रायोजोन को कहते हैं, ब्रायोजोन हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और ब्रैकियोपॉड्स यानी कि जिनके अंदर ये फीडिंग अपेरेटस होता है, आर्म लाइक अपेरेटस, तो उनमें क्या होते हैं? ब्रायोजन आते हैं, ब्रैकियोपॉड्स आते हैं, एंड एक वर्म लाइक ग्रुप होता है फोरोनिट्स, ठीक है। तो ब्रैकियोपॉड जो होते हैं वो हम क्योंकि आज पढ़ रहे हैं तो उस पर फोकस रहेगा हमारा, ठीक है। तो ये कुछ आपको इमेजेस दिख रही है, इसमें सबसे पहले फोकस करो इस राइट वाली इमेज पे, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ ये ऑर्गन दिख रहा होगा, है ना, और ये हेयर लाइक पैटर्न इसमें देखे होंगे, ठीक है। इसी को ये हम कहते हैं लोफोफोर, ठीक है, फीडिंग फिल्टर। तो ये हेयर लाइक पैटर्न, ये सीलिएटेड होते हैं, इसमें क्या होता है, बेसिकली वाटर अंदर आता है, ठीक है। ये शेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि इनमें शेल होते हैं, दो शेल होते हैं, ठीक है। ये बड़ा वाला जो ब्लू वाला शेल है इसको हम बोलते हैं वेंट्रल या पेडिकल वॉल्व, और ये छोटा वाला येलो वाला शेल जो है इसको हम बोलते हैं डोर्सल या ब्रैकियल वॉल्व, ठीक है। तो अब ये ब्रैकियल वॉल्व क्यों कहते हैं, पेडिकल वॉल्व क्यों कहते हैं, हम आगे देखेंगे। तो जनरली क्या होता है, ये खुलता है, दोनों वॉल्व्स खुलते हैं, जनरली ये बंद रहते हैं, लेकिन जब ये खुलते हैं तो इसके अंदर पानी एंटर करता है, वाटर एंटर करता है, और वाटर में जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको ये लोफोफोर जो होता है फीडिंग अपरेटस, ठीक है, या फीडिंग ऑर्गन, वो अपना जो भी फूड पार्टिकल्स वगैरह होता है उसको फिल्टर करता है और कंज्यूम करता है, और बाकी का पानी बाहर चला जाता है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है कि लोफोफोर जो होता है ये फिल्टर फीडिंग अपरेटस होता है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ब्रैकिया कहते हैं, ब्रैकिया, ओके। एंड इसी की वजह से ब्रैकियोपॉड्स नाम पड़ा है, ठीक है। दूसरा एक ऑर्गन जो होता है वो होता है पेडिकल, ठीक है, पेडिकल, ठीक है। तो ये पेडिकल जो होता है ये एक बेसिकली स्टॉक, ठीक है, स्टॉक या एक ऐसे स्टिक जैसा ऑर्गन होता है, ठीक है, जो कि सबस्ट्रेट से जुड़ा हुआ होता है। सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, नीचे अपना जो भी हार्ड सरफेस है ओशन के नीचे या सी के नीचे, वहां ये जुड़ा होता है, जनरली शेल्फ वाले रीजन में, ओके। शेल्फ स्लोप आपने पढ़ा होगा, ठीक है, शेल्फ स्लोप राइज कॉन्टिनेंटल मार्जिन में जो रहता है, पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन में, तो वहां पे ये जुड़े हुए होते हैं। तो मैंने आपको बोला था ये सेसाइल होते हैं, यानी कि ये मूव नहीं कर सकते, ओके, दे आर सेसाइल। तो इट मीन्स दे आर बेसिकली अटैच टू द सर्फेस, ओके, कौन सा सर्फेस, अपना सी सर्फेस पे, ठीक है, ओशन सर्फेस पे, सबस्ट्रेट पे। तो ये पेडिकल से जो जुड़े होते हैं इसी पेडिकल को हम बोलते हैं फुट, ठीक है, या पौडा। तो यहीं से दो नाम, यहीं से ब्रैकियोपॉड नाम पड़ा है, ठीक है, ब्रैकियोपॉड, ठीक है। ब्रैकी मीन्स लोफोफोर एंड पॉड मीन्स पेडिकल, ओके। अब यहां पे पेडिकल और पेडिकल वॉल्व, ठीक है। अब ये जो बड़ा वाला आपका शेल है ना, यहीं से ही पेडिकल निकलता है, ठीक है, इस बड़े वाले शेल से। तो इस बड़े वाले शेल को हम बोलते हैं वेंट्रल वॉल्व या पेडिकल वॉल्व, क्योंकि पेडिकल यहां से ही निकलता है, ओके।
सॉरी ऑलराइट। और जो ये आपका ब्रैकिया वॉल्व है, ठीक है, ये येलो वाला जो वॉल्व है इसको हम बोलते हैं ब्रैकियल। अब ये ब्रैकियल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ब्रैकिया यानी कि जो लोफोफोर होता है ये इस येलो वाले पार्ट से यानी कि येलो वाले वॉल्व से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये देखो किससे जुड़ा हुआ है, येलो वाले वॉल्व से। ठीक है, ब्रैकियल। ऑलराइट, तो इतना आपको समझ आ गया। ब्रैकियोपॉड जो होते हैं ये शेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके अंदर शेल होते हैं। ठीक है, ओके, ये आपको दिख रहा है शेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके अंदर जो ये शेल होता है ये दो दो शेल इसमें होते हैं, एक शेल बड़ा होता है एक शेल छोटा होता है। बड़े वाले शेल को हम क्या बोलते हैं, पेडिकल वॉल्व कहते हैं या वेंट्रल वॉल्व भी कहते हैं। ओके, छोटे वाले शेल को हम क्या कहते हैं, ब्रैकियल वॉल्व कहते हैं या डोर्सल वॉल्व कहते हैं। डोर्सल का मीनिंग होता है बैक, ओके, वेंट्रल का मीनिंग होता है फ्रंट। ओके, फिर पेडिकल जो होता है ये बड़े वाले वॉल्व से निकलता है तो इट मींस इसको हम पेडिकल वॉल्व कहते हैं। डोर्सल वॉल्व को हम ब्रैकियल वॉल्व इसलिए कहते हैं क्योंकि जो लोफोफोर होता है ये डोर्सल वॉल्व से जुड़ा हुआ होता है। साथ ही साथ पेडिकल जहां से निकलता है उस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं पोस्टीरियर। ठीक है, पोस्टीरियर मार्जिन, यानी कि पेडिकल जहां से निकलता है और ठीक उसके अपोजिट वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर, यानी कि जहां से ये दोनों वॉल्व खुलते हैं। ओके, इस वाले पोर्शन से ये खुलेंगे ना, दे विल ओपन फ्रॉम दिस पोर्शन, दैट इज वाई इट इज नोन एज एंटीरियर। और इसके ठीक अपोजिट जहां से पेडिकल निकलता है उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर। ओके, तो इतना आपको समझ आ गया। ओके, तो मोस्ट ऑफ दी ब्रैकियोपॉड्स आर अटैच्ड टू द सर्फेस बाय पेडिकल, बट सम हैव स्पाइंस लाइक थ्रेड्स विच आर अटैच्ड। ओके, सम आर अटैच्ड टू द सर्फेस बाय दीज स्पाइन लाइक थ्रेड्स। ओके, सम डू नॉट हैव पेडिकल, और कुछ कुछ जो होते हैं कुछ कुछ के पास स्पाइन भी नहीं होती है, दे आर ओनली फ्री लाइन। ओके, तो ये हम आगे देखेंगे जब इकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बट जनरली दे आर अटैच टू द सर्फेस बाय दिस स्टॉक लाइक थिंग दैट इज नोन एज पेडिकल। ओके, और इन्हीं इस वॉल्व के अंदर ही इसका पूरा पूरा ऑर्गन होता है, उसमें से एक लोफोफोर होता है, और भी ऑर्गन होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, सो ऑल सॉफ्ट पार्ट्स आर एनक्लोज्ड विद इन दिस स्किन कॉल्ड मेंटल। ठीक है, तो जो शेल होता है शेल के ठीक नीचे यानी कि ठीक अंदर एक स्किन होती है, सॉरी एक स्किन होती है जिसको हम बोलते हैं मेंटल। और उस मेंटल के अंदर ही आपका जितने भी ऑर्गन्स होते हैं इसके ब्रैकियोपॉड्स के वो रहते हैं। ठीक है, ओके, सो ये व्हाइट पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज योर मेंटल। ओके, और इसके अंदर ही आपका ये पूरा का पूरा जो ये सिस्टम है, ठीक है, जिसमें ये लोफोफोर भी आता है, ठीक है, बाकी के सारे ऑर्गन्स जो आते हैं वो इस स्किन के अंदर आते हैं। ठीक है, इस स्किन को हम बोलते हैं मेंटल। ओके, नाउ द शेल विच इज सिक्रेटेड बाय मेंटल मे बी काइटिनस और कैल्केरियस। ठीक है, तो ये या तो काइटिन का बना होता है, काइटिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, या ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, ये काइटिन का होता है या कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ओके, तो ऑब्वियसली ब्रैकियोपॉड्स की आईज नहीं होती है, लेकिन इनके पास एक सेट ऑफ ब्रिसल्स होते हैं अराउंड द मार्जिन दैट इज नोन एज सीटे, टू बेसिकली सेंस द इन्वायरमेंट। ओके, तो ये सीटे होते हैं, ठीक है, ये हेयर लाइक थिंग्स होती हैं ऑन दी वेंट्रल साइड। ओके, सॉरी ऑन दी एंटीरियर साइड, ठीक है, ये एंटीरियर साइड होगी। तो ये इन्वायरमेंट को, आसपास के इन्वायरमेंट को सेंस करने के लिए होते हैं कि भाई वाटर की स्पीड कितनी है, या कोई आपस में कोई आसपास प्रेडेटर है कि नहीं है। ठीक है, ओके, सो हियर इज द डाइवर्सिटी, ये अपे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, दी ब्रैकियोपॉड्स अपेयर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द कैम्ब्रियन, डाइवर्सिफाइड इन द ऑर्डोविशियन टाइम्स। ठीक है, तो ये कैम्ब्रियन में अपेयर हुए सबसे पहले,
और फिर ये डाइवर्सिफाइड कब हुए? ओर्डोवीशन के टाइम्स पे, ओके, कार्बोनिफरस डिवोनियन में भी ये डाइवर्सिफाई हुई। फिर आपका क्या आता है, परमियन ट्रैसिक मास एक्सटिंक्शन आता है और ये एकदम से डाइवर्सिटी इनकी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि पेलियोज़ोइक एरा में काफी डाइवर्सिफाई हुई थी, दैट्स व्हाई द एज पेलियोज़ोइक एरा इज आल्सो नोन एज द एज ऑफ ब्रैकियोपॉड्स। ओके, सो दे आर द मोस्ट अबंडेंट एंड डाइवर्स ऑफ ऑल द स्केलेटनाइज्ड इनवर्टिब्रेट्स ऑफ द पेलियोज़ोइक एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एज ऑफ पेलियोज़ोइक एज ऑफ ब्रैकियोपॉड्स। ब्रैकियोपॉड्स आर द ओल्डेस्ट नोन शेली इनवर्टिब्रेट फॉसिल्स, ओके, बिकॉज ये कैम्ब्रियन में अपेयर हुए थे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि विच आर द ओल्डेस्ट नोन शेली इनवर्टिब्रेट फॉसिल्स, तो आपको ध्यान में रखना है कि ब्रैकियोपॉड्स। ओके, ये कैम्ब्रियन की कुछ स्टेजेस हैं, ठीक है, फॉर्चूनियन, ओके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि फ्रेंगोनियन कहाँ का है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है जॉर्ज का टाइम स्केल से। ओके, सो हियर इज द लिविंग फॉसिल, फॉसिल लिंगुला, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है लिंगुला। और भी हैं, और एग्जाम्पल्स भी, मोर एग्जाम्पल्स आर देयर। ओके, लिंगुला सिर्फ अकेला, ऐसा नहीं है कि लिंगुला जिंदा है, और भी ब्रैकियोपॉड्स के एग्जाम्पल्स हैं विच आर लिविंग। ऑलराइट, तो अभी हम आगे देखेंगे। ओके, नाउ वन मोर थिंग, दीज ब्रैकियोपॉड्स आर ऑल्सो नोन एज लैम्प शेल्स। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा इनवर्टिब्रेट है जिसको हम लैम्प शेल भी कहते हैं। ओके, दीज आर नोन एज लैम्प शेल्स बिकॉज इनका जो इनके इनकी जो वॉल्व्स होती हैं, डोर्सल वॉल्व या वेंट्रल वॉल्व, ठीक है, इनको इस इन इन वॉल्व्स को अगर अलग कर दिया जाए, इफ वी सेपरेट दीज वॉल्व्स, दे विल लुक लाइक द एंशियंट लैम्प शेल्स। ठीक है, जैसे आपके दिए होते हैं ना घर में, ओके, ठीक है, आप अगर हिंदू हैं, आप पूजा करते हैं, तो आपके घर में ये दिए टाइप के होंगे। ओके, तो एंशियंट दिए कुछ इस तरीके से दिखते थे, ये इनके शेल के जैसे। ओके, शेल रिजेंबल्स दीज लैम्प, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज लैम्प शेल्स। ओके ओके, तो अब शेल के माइक्रोस्ट्रक्चर की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो शेल होता है, ये तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का होता है या काइटिन का होता है, ओके, या कैल्शियम फॉस्फेट का भी हो सकता है। ओके, तो शेल इज सिक्रेटेड बाय द लेयर दैट इज नोन एज एपिथीलियम। ओके, एपिथीलियम, यहां पे आप देखो जहां पे मेरा कर्सर है, ये एपिथीलियम, ठीक है, तो ये एपिथीलियम जो है ये सिक्रीट करता है आपका शेल, ये लेयर होती है ऑर्गेनिक लेयर, ठीक है, तो ये शेल को सिक्रीट करता है। ऑलराइट, देन इन देयर इज अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रैकेपॉड। ओके, ये हम आगे भी देखेंगे, बस अभी इतना ध्यान रखो कि दो तरीके के ब्रैकेपॉड होते हैं, आर्टिकुलेट एंड इनआर्टिकुलेट। ठीक है, आर्टिकुलेट्स में क्या होते हैं, टीथ्स होते हैं इन द पोस्टीरियर मार्जिन, देयर आर टीथ्स एंड सॉकेट्स। इनआर्टिकुलेट डू नॉट हैव टीथ्स। ओके, तो अभी आप इतना ध्यान रखो, तो जो इनआर्टिकुलेट्स होते हैं और आर्टिकुलेट होते हैं, उनमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं, पेरियोस्ट्राकम, ठीक है, पेरियोस्ट्राकम। आर्टिकुलेट में प्राइमरी लेयर होती है, सेकेंडरी लेयर होती है, इनआर्टिकुलेट में ओनली प्राइमरी लेयर। ओके, तो ये आपको शेल दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, तो सबसे नीचे आपकी होगी सेलुलर एपिथीलियम, फिर सेकेंडरी लेयर आती है, फिर आपकी आती है प्राइमरी लेयर, और फिर जो आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पेरियोस्ट्राकम। ठीक है, पेरियोस्ट्राकम। ओके, तो ये आपको आर्टिकुलेट दिख रहा है, ये इनआर्टिकुलेट दिख रहा है। इनआर्टिकुलेट लेयर, इनआर्टिकुलेट ब्रैकेपॉड्स में, जिन इनआर्टिकुलेट मीनिंग जिनके टीथ्स एंड सॉकेट नहीं होते हैं। ओके, अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि इनआर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, टीथ्स एंड सॉकेट, तो इनआर्टिकुलेट्स डू नॉट हैव टीथ्स एंड सॉकेट्स, उनमें सेकेंडरी लेयर एब्सेंट रहती है, सेकेंडरी लेयर, ठीक है, और आर्टिकुलेट्स में सेकेंडरी लेयर आपको देखने को मिलेगी, बाकी सारा सेम रहता है।
आउटर लेयर इज नोन एज पेरियोस्ट्राकम, ठीक है, इतना ध्यान में रखना है आपको। ये जो इसकी आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पेरियोस्ट्राकम, किसकी, शेल की। और यहां पे किसकी बात हो रही है, शेल के माइक्रोस्ट्रक्चर की बात हो रही है। ओके अच्छा, जब सिक्रीट हो जाता है पूरा का पूरा शेल, तो जो पहला फॉर्म्ड शेल होता है ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल विच इज सिक्रीटेड बाय एपिथीलियम और मेंटल, ठीक है, एपिथीलियम मेंटल के अंदर ही आता है। ओके यहां पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज प्रोटीगुलम। ओके सो प्रोटीगुलम इज द फर्स्ट फॉर्म्ड शेल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल सिक्रीटेड बाय बोथ मेंटल्स ओके और एपिथीलियम लेयर। ओके तो बेबी शेल आप कह सकते हो कि उसको हम बोलते हैं प्रोटीगुलम, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है, ये दिस इज मोर इलेबोरेट। ओके सेल्यूलर एपिथीलियम इट कम्स इन मेंटल पार्ट, सेकेंडरी शेल लेयर, प्राइमरी शेल लेयर, पेरियोस्ट्राकम। ओके ये आर्टिकुलेट का है। ओके नाउ कुछ टर्मिनोलॉजीज यहां भी हैं, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल में कुछ टर्मिनोलॉजीज आती हैं, जैसे इम्पंक्टेट, स्यूडोपंक्टेट एंड पंक्टेट। तो पहले हम देखते हैं कि कुछ शेल्स जो होते हैं उनके अंदर जो होती है कैविटी होती है, ठीक है, ट्यूब लाइक कैविटी। जो शेल होता है ना, शेल के अंदर कुछ ट्यूब लाइक कैविटीज होती हैं। ओके अगर वो ट्यूब लाइक कैविटी है तो उस शेल को हम क्या कहते हैं, पंक्टेट शेल, ठीक है। तो इधर देखो, ये क्रॉस सेक्शन है पूरे के पूरे शेल का, तो यहां पे ये कैविटी आपको दिख रही है, ट्यूब लाइक कैविटी। कैविटी का मतलब क्या होता है, एम्प्टी स्पेस। ओके इफ देयर इज अ ट्यूब लाइक एम्प्टी स्पेस इन अ शेल, देन दैट शेल इज नोन एज पंक्टेट शेल, ठीक है। टॉप से ऐसा कुछ दिखेगा आपको, ये पंक्टेट जो है ऐसे दिखेंगे टॉप से। ओके इस राउंडेड शेप में फ्रॉम द टॉप। Now, if there are perpendicular rods of calcite, very very important, in the fibrous inner layer, ठीक है, अगर ये empty shape, empty cavity, sorry, cavity की जगह यहां पे solid rods हैं, किसकी, calcite की, then that shell is known as pseudopunctate, क्या pseudopunctate। और impunctate का मतलब क्या है कि अगर कैविटी नहीं है तो ऑब्वियसली यहां पे कोई कैविटी वगैरह नहीं है इस शेल के स्ट्रक्चर में, तो इसको बोलते हैं impunctate। तो यहां पे क्या है, pseudopunctate जो टर्मिनोलॉजी है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि pseudopunctate कंडीशन इज यूजफुल बिकॉज इट इज अ डायग्नोस्टिक ऑफ स्ट्रोफेमिनिट्स। अब ये स्ट्रोफेमिनिट्स क्या है, स्ट्रोफेमिनिट्स बेसिकली एक ऑर्डर है ब्रैकियोपॉड का, उसके अंदर जितने भी ब्रैकियोपॉड्स आते हैं उनके जो शेल होते हैं वो क्या होते हैं, स्यूडो पंक्टेट होते हैं। ओके ओके बाकी पंक्टेट एंड इम्पंक्टेट शेल अगर वाइडली विद इन द अदर्स और अदर ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट। तो जो स्ट्रोफेमिनेट ऑर्डर होता है उसमें स्यूडो पंक्टेट शेल होता है, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और स्यूडो पंक्टेट में ये कैल्साइट की रॉड्स होती हैं, ओके फॉल्स कैविटी होती है, बेसिकली कैल्साइट की रॉड्स होती हैं। तो इतना आपको समझ आ गया शेल का माइक्रोस्ट्रक्चर, ठीक है, पेरियोस्ट्राकम, प्राइमरी शेल, सेकेंडरी शेल। ओके अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। ओके तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हैं वो मैंने बता दिए, जैसे वन वॉल्व दैट इज लार्जर देन द अदर, जो लार्जर वॉल्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल या पेडिकल वॉल्व, ठीक है, पेडिकल वॉल्व, क्योंकि पेडिकल वही उसी बड़े वॉल्व से निकलता है। ओके फ्लैशी स्टॉक कॉल्ड पेडिकल, जिससे वो अटैच रहता है। ओके अपोजिट स्मॉलर वॉल्व इज नोन एज डोर्सल और ब्रैकियल वॉल्व। ओके ये सारा मैंने आपको बता दिया। ओके अच्छा, इसका जो बॉडी प्लान होता है वो क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलमेट। कोरल्स का क्या था, याद करो और कॉपी में लिखो, ओलिगोमरस बॉडी प्लान, ठीक है। तो यहां पे इसलिए मैंने ग्रेड एंड बॉडी प्लान को पहले डिस्कस किया था, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलमेट विद ओलिगोमरस बॉडी प्लान। लोफोफोर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड गैदरिंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। ओके तो ये सारी चीजें आप देख लेना, ये मैंने आपको बता दी है। अच्छा जो शेल होता है, शेल के जनरली बैक साइड यानी कि पोस्टीरियर साइड में, ठीक
कैविटी होती है, सिलोमिक कैविटी, जिसमें सारे के सारे ऑर्गन्स होते हैं विद इन द मेंटल लेयर। ओके अच्छा, मोस्ट ब्रैकियोपॉड्स में ठीक है जनरली आर्टिकुलेट्स आर दी कॉमन ब्रैकियोपॉड्स। आर्टिकुलेट ब्रैकियोपॉड्स जो होते हैं इनमें टीथ्स एंड सॉकेट्स होते हैं। ओके टीथ्स एंड सॉकेट्स ठीक है। तो जो मोस्ट ब्रैकियोपॉड्स होते हैं आर्टिकुलेट ब्रैकियोपॉड्स, उसमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है ओके इट एंड्स अप इन द ब्लाइंड इंटेस्टाइन विद नो एनस। ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ब्रैकियोपॉड है जिसमें ब्लाइंड इंटेस्टाइन होती है विद नो एनस। ठीक है तो ये होता है आर्टिकुलेट ब्रैकियोपॉड्स, मोस्ट ऑफ द ब्रैकियोपॉड्स। ठीक है तो ये हम आगे देखेंगे अभी इनकी क्लासिफिकेशन। अभी इतना ध्यान में रखो कि इंटेस्टाइन, ब्लाइंड इंटेस्टाइन विद नो एनस इज, अगर वो है तो आर्टिकुलेट ब्रैकियोपॉड है। ओके ठीक है, सो हियर यू कैन सी द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ब्रैकियोपॉड। ठीक है तो सबसे पहले क्योंकि आर्टिकुलेट्स और इनआर्टिकुलेट आ रहा है तो मैं आपको टीथ एंड सॉकेट बता देता हूं। ठीक है देखो ये आपका डोर्सल वॉल्व है यानी कि छोटा वाला वॉल्व है, ये ब्रैकियल वॉल्व है। ठीक है ये आपको बड़ा दिख रहा है ना, दिस इज दी वेंट्रल वॉल्व या पेडिकल वॉल्व। पेडिकल देखो ये पेडिकल है, कहां से निकल रहा है, किससे अटैच्ड है, पेडिकल से अटैच्ड है। लोफोफोर जो होगा वो डोर्सल से अटैच्ड होगा। ठीक है तो इधर के साइड कुछ टीथ एंड सॉकेट्स होते हैं यहाँ की तरफ। ठीक है इधर की साइड, तो अगर टीथ एंड सॉकेट्स हैं तो दैट इज नोन एज आर्टिकुलेट। ठीक है तो इसको हम कैसे देखेंगे, ये देखो ये पेडिकल वॉल का पीछे का पोर्शन है। ओके दिस इज नोन एज पोस्टीरियर। रिमेंबर अगेन वन थिंग, पोस्टीरियर एंटीरियर को फिर से देख लो, पोस्टीरियर साइड जहां से पेडिकल निकल रहा है पीछे वाला साइड। ठीक है एंटीरियर साइड जहां से वॉल्व जो रहते हैं वो खुले रहते हैं, दैट इज नोन एज एंटीरियर। ठीक है तो पोस्टीरियर, पी से पोस्टीरियर, पी से पेडिकल, पेडिकल हमेशा पोस्टीरियर साइड से निकलेगा। ठीक है और जो टीथ एंड सॉकेट्स होंगे जनरली जो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं दोज आर इन द पोस्टीरियर साइड। ओके तो पोस्टीरियर साइड में आपका अगर टीथ एंड सॉकेट है यानी कि आपका आर्टिकुलेट्स हैं तो कुछ इस तरीके से आपके ये टीथ एंड सॉकेट्स होते हैं वॉल्व को जोड़ने के लिए। ठीक है ये टीथ हो गया आपके और यहाँ पे कुछ सॉकेट्स टाइप के होते हैं जहां पे टीथ फिट होते हैं। ठीक है ये आपके सॉकेट्स, तो सॉकेट्स किसमें होंगे, ब्रैकियल वॉल्व में यानी कि स्मॉलर वॉल्व में या डोर्सल वॉल्व में। पेडिकल वॉल्व में आपके टीथ होंगे ओके यानी कि वेंट्रल या पेडिकल, पेडिकल लिखा हुआ है लार्जर। ठीक है इतना आपको ध्यान में रखना है। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि आर्टिकुलेट क्या होता है। ओके पोस्टीरियर साइड क्या होती है, एंटीरियर साइड क्या होती है, ओके लोफोफोर क्या होता है, ऑलराइट। ब्लाइंड इंटेस्टाइन इज इन आर्टिकुलेट। ओके अगर इनआर्टिकुलेट होगा तो ब्लाइंड इंटेस्टाइन विद नो एनस नहीं होगा, आर्टिकुलेट इनआर्टिकुलेट्स में एनस होगा। ओके ऑलराइट अच्छा, सिमेट्री की बात हो रही थी तो देखो हम अब देख रहे हैं किसकी साइड से, किसकी तरफ से, यू आर लुकिंग थ्रू द डोर्सल वॉल, फ्रॉम द टॉप ऑफ द डोर्सल वॉल। ओके या ब्रैकियल वॉल्व। ठीक है इस वाले पोर्शन में आप ब्रैकियल वॉल्व के ऊपर से देख रहे हो, ये आप दोनों साइड से देख रहे हो, ब्रैकियल वॉल्व और डोर्सल वॉल्व के। ठीक है तो इमेजिनेशन यहाँ पे थोड़ा सा कर लो अपनी, ओके 3D व्यू में। तो अगर मैं बीच में से एक लाइन खींचूं दोनों वॉल्व के, दोनों वॉल्व के बीच में से एक लाइन खींचता हूं तो ये लेफ्ट वाला साइड और राइट वाला साइड दोनों इक्वल होंगे। ठीक है तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है इट इज रनिंग थ्रू बोथ द वॉल्व्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बोथ द वॉल्व्स। ओके तो विड्थ ठीक है एंड लेंथ ऐसे नापते हैं, पोस्टीरियर से एंटीरियर आपकी लेंथ होगी। अच्छा पोस्टीरियर साइड कौन सा होगा, ये वाला साइड है ना, एंटीरियर साइड कौन सा होगा, ये वाला साइड।
अगेन यहाँ पे पोस्टीरियर कौन सा होगा, ये वाला साइड, एंटीरियर ये वाला साइड, ठीक है। सो अगेन आफ्टर द लेक्चर अगेन गो थ्रू दैट दिस लेक्चर, बिकॉज अनलिमिटेड व्यूज हैं, तो आपको बार बार ये इमेजिनेशन करना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो वॉल्व जो होते हैं वो अनइक्वल तो होते हैं, अनइक्वल यानी कि एक वॉल्व बड़ा है एक वॉल्व छोटा है, लेकिन ये इक्विलेटर होते हैं। ओके, इक्विलेटर इक्वल साइज के होते हैं, इक्वल साइज के मतलब कि भाई डिस्टॉर्टेड नहीं होते हैं कि ऐसे कुछ इस तरीके से नहीं। अगर डोर्सल वॉल्व है तो ये जनरली इक्वल साइज का होगा, ठीक है, इक्विलेटर ट्राइंगल जैसा होगा, ठीक है। इक्विलेटर ट्राइंगल मतलब ऑल साइड्स आर जनरली इक्वल। ओके, और सिमेट्री कैसी है, बाइलेटरल सिमेट्री, एंड द सिमेट्री लाइन द प्लेन ऑफ सिमेट्री इज पासिंग थ्रू बोथ द वॉल, कटिंग थ्रू सेंटर ऑफ द बोथ द वॉल्स। ओके, तो इसका डायग्राम बनाना मत भूलना खुद से। ओके, तो हियर यू कैन सी अगेन द सिमेट्री। ओके, ये बीच से लाइन जा रही है, राइट। तो ये अलग अलग व्यूज हैं, पोस्टीरियर व्यू, एंटीरियर व्यू, साइड व्यू, डोर्सल व्यू, वेंट्रल व्यू। ओके, तो ये डोर्सल वेंट्रल ये सब मैंने आपको बता दिया, पोस्टीरियर बता दिया पीछे से आप देख रहे हो, एंटीरियर बता दिया है सामने से आप देख रहे हो। ओके, वेंट्रल दिखा दिया यानी कि बड़े वॉल्व की तरफ से आप देख रहे हो, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिग वॉल्व। डोर्सल से बता दिया यानी कि टॉप ऑफ द डोर्सल और द ब्रैकियल वॉल्व, ठीक है। तो इसका कंपैरिजन जो है बाई वॉल्व से कर रखा है यहाँ पे, पैलेसीपॉड जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत बार कंफ्यूजन होता है ब्रैकियोपॉड, मुझे भी बहुत कंफ्यूजन होता था ब्रैकियोपॉड और पैलेसीपॉड के बीच। ओके, पैलेसीपॉड जो होता है वो बाई वॉल्व होता है, ठीक है। इस ये जो है फाइलम, इसमें भी दो वॉल्व होते हैं, ठीक है। सॉरी, फाइलम इज मोलस्का क्लास हो गए, ठीक है। तो जो पैलेसीपॉड होते हैं यानी कि लैमेली ब्रैंकिया भी इसको बोलते हैं, लैमेली ब्रैंकिया, इसमें भी दो वॉल्व होते हैं ब्रैकियोपॉड जैसे, लेकिन इसकी सिमेट्री थोड़ा सा अलग होती है। इसकी सिमेट्री क्या होती है थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये हम आगे पढ़ेंगे इन डिफरेंट लेक्चर्स। इसमें सिमेट्री लाइन जो होती है दोनों वॉल्व के जहां से ज्वाइंट होते हैं दोनों वॉल्व वहां से निकलती है। ओके, दिस इज द लेफ्ट वॉल्व, दिस इज द राइट वॉल्व, इनको हम जोड़ देंगे तो दोनों के बीच से जहां से जुड़े हुए हैं वहां से अगर हम लाइन निकालेंगे तो वहां से आपकी सिमेट्री लाइन पास होगी। बट ब्रैकियोपॉड में ऐसा नहीं होता, ब्रैकियोपॉड में द सिमेट्री लाइन और द प्लेन ऑफ सिमेट्री पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ वेंट्रल एंड डोर्सल वॉल्व। ओके, यानी कि ये दोनों वॉल्व को काटता है, इसमें दोनों वॉल्व को नहीं काट रहा है, इसमें जहां से वॉल्व ज्वाइन हो रहे हैं वहां से काट रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो हियर इज द बेसिक ब्रैकियोपॉड शेल्फ टर्मिनोलॉजी, ठीक है, पेडिकल ब्रैकियल। अब द प्लेन दैट इज ज्वाइनिंग, ओके, द प्लेन दैट इज ज्वाइनिंग बोथ द वॉल इज नोन एज कमिश्योर। ओके, कमिश्योर, ठीक है। तो ये जो वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं कमिश्योर, ठीक है। यानी कि दोनों वॉल को वेंट्रल एंड डोर्सल, इन दोनों वॉल्व को जहां पे जो वॉल्व जुड़ रहे हैं वेर एवर दे आर क्लोजिंग दैट इज नोन एज कमश्योर और लाइन ऑफ कमश्योर। ओके, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मैं बता रहा हूं फिर से आप एक बार देख लेना, ठीक है। इसको आप इमेजिन कैसे कर सकते हो अपने हैंड के हिसाब से, यू हैव टू हैंड्स, ज्वाइन दम टूगेदर, ज्वाइन द टू हैंड्स। इफ यू आर ज्वाइनिंग द टू हैंड्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके हैंड्स ज्वाइन करेंगे, राइट। तो जहां पे जिस प्लेन पे आपके हैंड ज्वाइन कर रहे हैं अगर उस प्लेन से हम लाइन पास करेंगे तो वो पैलेसीपॉड की सिमेट्री देगी, लेकिन अगर हैंड अपने हैंड को आप बीचों बीच से काट दोगे, लेट से दिस इज योर हैंड, उसको बीच में से काट दोगे तो वो ब्रैकियोपॉड की सिमेट्री देगी। दोनों हैंड को बीच में से काट दोगे तो वो ब्रैकियोपॉड की सिमेट्री देगी, ठीक है। इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं आपको, फिर भी कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लेना एक बार।
ठीक है, तो यहां पे क्या पॉइंट आया आपका, कमशोर का पॉइंट। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि पोस्टीरियर साइड में जहां पे दोनों वॉल्व जुड़े हुए होते हैं वहां पे एक लाइन होती है हिंज लाइन। ये हिंज लाइन, ठीक है। अच्छा यहां पे देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी दिखा रखा है, ये पूरा का पूरा आपका वॉल्व है। ठीक है, दिस इज इन 3D व्यू, ओके, और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रही है, इट इज कटिंग थ्रू द वॉल्व, है ना, इस तरीके से। और अगर प्लेसीपोड होता तो देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये जो प्लेन ऑफ कमशोर जो है ना वो होता प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर प्लेसीपोड होता तो, है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हिंज लाइन दोनों वॉल्व जहां पे जुड़ते हैं, ये नीचे वाला वॉल्व है आपका डोर्सल, ठीक है, ये पूरा कुछ दिख नहीं रहा है 3D में, और ये ऊपर वाला वॉल्व जो है ये आपका वेंट्रल। तो जहां पे ये जुड़ेंगे पीछे पोस्टीरियर साइड पे, पोस्टीरियर साइड पे जहां पे ये जुड़ेंगे वहां पे एक लाइन बन जाती है, उसको हम बोलते हैं हिंज लाइन। ठीक है, हिंज लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन। तो ये हिंज लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है एंड कर्व भी हो सकती है, कर्व और स्ट्रेट। अगर ये कर्व है तो उसको हम बोलते हैं नॉन स्ट्रोफिक, और अगर ये स्ट्रेट है तो उसको बोलते हैं स्ट्रोफिक। अगर हिंज लाइन स्ट्रेट है तो स्ट्रोफिक, ठीक है। तो यहां पे देखो हिंज लाइन कैसी है, कर्व है, इट इज कर्व, तो इट इज नॉन स्ट्रोफिक। ओके, तो इसके एग्जांपल्स भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे अम्बो, बीक, हिंज लाइन, देखो लाइन ऑफ जंक्शन ऑफ टू वॉल्स एट द पोस्टीरियर मार्जिन, ओके, डेल्थीरियम डेल्टीरियम, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा फॉरमेन एक बार देख लेते हैं, फॉरमेन इज द इनवर्ड ग्रोथ ऑफ अच्छा डेल्टीरियम यहाँ पे आ चुका है, तो हम चलो कोई नहीं आगे देखते हैं। ठीक है, तो हिंज लाइन हमने देख ली। अच्छा एक होता है फोरामेन, फोरामेन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके। तो एक होता है फोरामेन, पेडिकल फोरामेन, ठीक है, तो पोस्टीरियर मार्जिन में, पोस्टीरियर मार्जिन में वेंट्रल साइड पे जहां से पेडिकल निकलता है वहां पे एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, उस ओपनिंग को हम बोलते हैं फोरामेन। ओके, फोरामेन, ऑलराइट, जहां से पेडिकल निकलता है वहां पे ऑब्वियसली एक ओपनिंग होगी, उस ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे, फोरामेन कहेंगे। तो ये जो ओपनिंग होती है ये सर्कुलर होती है, सर्कुलर ओपनिंग, ठीक है, जो ये फोरामेन वाली ओपनिंग होती है ये सर्कुलर होती है। ओके, लेकिन इससे पहले, सर्कल बनने से पहले यहां पे एक ट्रायंगुलर ओपनिंग रहती है। इफ देयर इज अ ट्रायंगुलर ओपनिंग देन दैट ट्रायंगुलर ओपनिंग इज नोन एज डेल्थीरियम, डेल्थीरियम, द ट्रायंगुलर ओपनिंग बीनीथ बीक ऑफ द पेडिकल वॉल्व फॉर पैसेज ऑफ द पेडिकल एंड एसोसिएटेड मसल इज नोन एज डेल्थीरियम। ठीक है, अब ये बीक और अम्बो पहले हम देख लेते हैं। बीक्स क्या होती हैं, जो पोस्टीरियर साइड में जो पॉइंटेड पोर्शन होता है दोनों शेल का, वेंट्रल और डोर्सल वॉल्व का, उसको हम बोलते हैं बीक, पॉइंटेड पोर्शन। फिर आता है अम्बो, अम्बो बेसिकली दिस कॉन्वेक्स पोस्टीरियर साइड क्लोज टू द बीक,
ठीक है, तो ये आपकी बीक हो गई, और ये कॉन्वेक्स साइड जो है, कॉन्वेक्स रेज्ड, ठीक है, साइड क्लोज टू द बीक, इस बीक के क्लोज पे ये जो साइड है इसको हम बोलते हैं अंबो, और ये दोनों के दोनों पोस्टीरियर वाले रीजन में होंगे, ठीक है, पोस्टीरियर वाले रीजन पे, ठीक ओके। कभी कभी जो होता है वो शेल के ऊपर ग्रोथ लाइंस आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है, तो ग्रोथ लाइंस जो होती हैं कंसेंट्रिक होती हैं, और कभी कभी ये रेडियल्स लाइन देखने को निकलती हैं शेल के ऊपर, इनको हम बोलते हैं कोस्टे, ओके, कोस्टे। अच्छा, कॉमोश्योर जो होता है वो हमने बताया था लाइन ऑफ क्लोजर बिटवीन द टू वॉल्व्स, द लाइन ऑफ क्लोजर बिटवीन द टू वॉल्व्स वॉल्व्स इज नोन एज कॉमोश्योर, ओके। वॉल्व जो हो सकते हैं कभी कभी इनके ऊपर डिप्रेशन टाइप का आ जाता है, ठीक है, ये वॉल्व हुआ आपका, ठीक है, ये जो वॉल्व है इसमें डिप्रेशन जो होता है इसको हम बोलते हैं सल्कस, क्या बोलते हैं, सल्कस, डिप्रेशन, और अगर ऐसे अपवर्ड पोर्शन होगा तो उसको हम बोलते हैं प्लिकेट, ठीक है, प्लिकेशन, ओके, ठीक है। पोस्टीरियर प्रोट्यूबरेंस, राउंडेड कॉन्वेक्स पार्ट विच स्टिक्स आउट फ्रॉम द सर्फेस नियर द बीक इज नोन एज अम्बो, पॉइंटेड एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द अम्बो इज नोन एज बीक, ओके। एयर लाइक प्रोजेक्शंस फ्रॉम द हिंज लाइन, ओके, इज नोन एज ऑरिकल्स। पेडिकल तो हमने डिस्कस कर लिया, डेल्थीरियम विद द सब ट्रायंगुलर ओपनिंग और स्लिट लाइक नॉच ब्रीथ द एपेक्स ऑफ द पेडिकल वॉल, ओके, फ्रॉम फॉर द पैसेज ऑफ द पेडिकल, और अगर वो डेल्थीरियम जो होता है वो सर्कुलर सर्कुलर ओपनिंग में बदल जाता है, ओके, दैट इज नोन एज फोरामेन, ओके। सो हियर यू कैन सी बाइसल्केट, अगर अगर दो डिप्रेशन है, यहाँ पे दो डिप्रेशन है ना, फर्स्ट एंड सेकंड, बाइसल्केट, अगर सिंगल डिप्रेशन है तो यूनिसल्केट, अगर प्लेन है कोई डिप्रेशन नहीं है तो दैट इज नोन एज रेक्टी मार्जिनेट, अगर एक अपवर्ड आपको ऐसा डोम लाइक फीचर दिख रहा है इन द कॉमोश्योर देन दैट इज नोन एज यूनिप्लिकेट, ठीक है, दो दिख रहे हैं तो बाइप्लिकेट, ओके। तो एंटीरियर वर्जिन अगर हम क्या करेंगे, व्यू करेंगे कैसे, ब्रैकियल वॉल्व, डोर्सल वॉल्व, सॉरी वेंट्रल वॉल्व, ऑन वी आर लुकिंग थ्रू द स्क्रीन इन फ्रॉम द एंटीरियर साइड, ओके, एंटीरियर साइड से हम देख रहे हैं तो ये हमको कॉमोश्योर दिख रहा है, तो कॉमोश्योर में आपको बाइसल्केट, यूनिसल्केट, ठीक है, यूनिप्लिकेट ऐसे देखने को मिलेंगे, डिपेंडिंग कि भाई डिप्रेशन है वहां पे कि अपवर्ड जो लाइन है कॉमोश्योर की लाइन वो अपवर्ड है या डिप्रेस्ड है। अब जैसे ये है तो ये क्या होगा, बाई सल्केट, ओके। सो हियर यू कैन सी द अम्बो एंड द बीक, ओके ओके। सो डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ द बीक एंड द अम्बो इट कैन बी स्ट्रेट, सब इरेक्ट, इरेक्ट, स्लाइटली कर्व्ड, ओके। तो यहाँ पे आपको अम्बो और बीक ध्यान में रखना है। अम्बो अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ, देखो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे अम्बो, और ये पॉइंटेड वाला पोर्शन जो होगा इसको हम बोलेंगे बीक, ओके। ये दोनों वॉल्व में होगा, जरूरी नहीं कि सिर्फ बड़े वाले वॉल्व में होगा, ये आपके डोर्सल वॉल्व में भी हो सकता है, ओके, ईच वॉल्व लिखा है ना, तो ये दोनों वॉल्व में हो सकता है, जनरली जो आपका वेंट्रल वॉल्व या पेडिकल वॉल्व होता है, बड़ा वॉल्व जो होता है उसमें ये प्रोमिनेंट रहता है, ओके। सो हिंज लाइन, द लाइन ऑफ द जंक्शन ऑफ टू वॉल्व्स एट द पोस्टीरियर मार्जिन इज नोन एज हिंज लाइन, ठीक है, तो यहां पे जो है स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं, अगर हिंज लाइन जो है स्ट्रेट है इसको हम बोलेंगे स्ट्रोफिक शेल, ठीक है, हिंज लाइन अगर स्ट्रेट है, यानी कि हिंज लाइन वो होती है जहां पे दोनों वॉल्व जुड़े हुए होते हैं पोस्टीरियर साइड में, जंक्शन जहां पे होता है, ठीक है, तो स्ट्रोफिक शेल एग्जाम्पल इज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, स्पेरिफर, प्रोडक्टस, मेगाथायरिस, विस्बाइला, एट्रेक्सा, एटसेट्रा, ठीक है, तो
इन ये कुछ एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, आपको और भी एग्जाम्पल ढूंढ के लिखना है, ठीक है, किसके? स्ट्रॉफिक शेल के। अगर कर्व्ड है, जैसे नॉन स्ट्रॉफिक जिसको हम बोलते हैं, कर्व्ड हिंज लाइन है, ठीक है, नॉन स्ट्रॉफिक है, तो जैसे टेरिप्रेटला, रिंकोनेला, मेगालेनिया, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। देन देयर इज अ लार्ज फ्लैट और कर्व्ड सरफेस बिटवीन द बीक एंड द पोस्टीरियर मार्जिन। बीक और पोस्टीरियर मार्जिन के बीच में एक सरफेस होता है, फ्लैट सरफेस, इसको हम बोलते हैं इंट्रा एरिया। ओके, इंट्रा एरिया। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो डेल्थीरियम, मैंने आपको बताया था, सब ट्रायंगुलर ओपनिंग और स्लिट लाइक नॉच बिटवीन द एपेक्स ऑफ द पेडिकल वॉल ऑफ सम ब्रैकोपॉड्स फॉर द पैसेज ऑफ द पेडिकल। ठीक है, तो पेडिकल वॉल बीनीथ, सॉरी बीनीथ, ठीक है, तो पेडिकल वॉल के ठीक नीचे पे जहां से पेडिकल निकलता है वहां पे अगर ट्रायंगुलर ओपनिंग है या सब ट्रायंगुलर ओपनिंग है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेल्थीरियम। अब इस ट्रायंगुलर ओपनिंग को जो है वो एक कैल्सिक प्लेट कवर करती है, क्लोज करती है। ओके, उस कैल्सिक प्लेट को हम क्या बोलते हैं? डेल्टीडियम। ये जो प्लेट दिख रही है ना आपको, ये होगी आपकी डेल्टीडियम। और कभी कभी ये डेल्टीडियम जो होता है ये इनवर्ड ग्रो करता है, इनवर्ड ग्रो करता है, ये कैल्सिटिक प्लेट जो होती है वो इनवर्ड ग्रो करती है और सिर्फ हमारे पास जो है वो एक सर्कुलर ओपनिंग बच जाती है। सर्कुलर ओपनिंग टाइम के साथ, ट्रायंगुलर ओपनिंग से सर्कुलर ओपनिंग अगर जब बन जाती है तो उस सर्कुलर ओपनिंग को हम बोलते हैं फोरमेन, ट्रायंगुलर ओपनिंग को हम बोलते हैं डेल्थीरियम। और जो प्लेट कवर करती है इस ट्रायंगुलर ओपनिंग को और फिर इनवर्ड ग्रो करती है उस प्लेट को हम बोलते हैं डेल्टीडियम। ठीक है सर, ठीक है। एंड जनरली दिस इज अ फीचर ऑफ नॉन स्ट्रॉफिक फॉर्म, यानी कि कर्व्ड हिंज लाइन जिसकी होगी वहां पे ये फॉरमेन देखने को मिलता है। ओके, सो देन देयर इज, सो इफ द ट्रायंगुलर ओपनिंग इज इन द, इफ द ट्रायंगुलर ओपनिंग इज इन डोर्सल वॉल्व ऑल्सो, अगर डोर्सल वॉल्व में भी ट्रायंगुलर ओपनिंग है तो उस ओपनिंग को हम बोलते हैं नोटोथीरियम। क्या बोलते हैं? नोटोथीरियम। आई नो इट्स क्वाइट बोरिंग बट आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ब्रैकियल वॉल्व या डोर्सल वॉल्व में भी अगर ट्रायंगुलर ओपनिंग आ रही है तो उस ओपनिंग को हम बोलते हैं नोटोथीरियम। उस ओपनिंग को अगर कोई प्लेट कवर करती है तो उस प्लेट को हम बोलते हैं चिलीडियम। क्या बोलते हैं? चिलीडियम। ओके, अक्रेसिंटिक शेप प्लेट दैट कवर्स द टॉप ऑफ नोटोथीरियम। नोटोथीरियम किस वाले वॉल्व में होगा? ब्रैकियल वॉल्व में या डोर्सल वॉल्व में। डेल्थीरियम किस वाले वॉल्व में होगा? पेडिकल वॉल्व में। ठीक है, पोजिशन ऑफ फोरमेन्स कैन बी, ठीक है, एट द टॉप ऑफ द पेडिकल वॉल्व। ओके, इसको हम बोलते हैं मीजोथायराइड। अगर सेंट्रल में है, ठीक है, सेंट्रल पोर्शन में है फोरमेन, हाइपोथायराइड। बेसल में है तो एम्फीथायराइड। ठीक है, अगर बीक के ऊपर पे है, ये जो बीक आ रही है आपकी इसके ठीक ऊपर पे है, ऑन द बीक है, तो परमीसोथायराइड। ओके, ठीक है, और बीक के ओवर है, ओवर द बीक, देन दैट इज नोन एज एपी थायराइड। ओके, पोजिशन ऑफ फोरामेन। अच्छा, यहां पे कुछ प्लेट्स दे रखी थी, ठीक है, अगर अगर डेल्टीडियल प्लेट्स के टाइप्स, ठीक है, डेल्टीडियल प्लेट्स के टाइप्स यानी कि डेल्थीरियम को जो प्लेट कवर करती है उसके टाइप्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो अगर नो प्लेट, ठीक है, फ्री पेडिकल ओपनिंग, जिनीडियम, अगर टोटल क्लोजर बाय वन प्लेट ओनली, अगर वहां पे सिर्फ एक ही प्लेट है तो उसको हम बोलते हैं जिनीडियम। ठीक है, मल्टीपल प्लेट्स ज्वाइन टुगेदर विदाउट अ विजिबल सीम, हेनीडियम। डेल्टीडियम जनरली दो प्लेट्स होती हैं,
टू प्लेट्स, ये आपकी ओपनिंग होगी और ये प्लेट्स होंगी। टू प्लेट्स, टू प्लेट्स ग्रोन टुगेदर इज नोन एज सिंडेल्टेरियम। ओके, तो इनको भी एक बार देख लेना। ओके, देयर इज अ पैलिंट्रोप। पैलिंट्रोप अ कर्व्ड सरफेस ऑफ अ शेल बाउंडेड बाय बीक रिजेस एंड कार्डिनल मार्जिन ऑफ द एस्ट्रोफिक शेल्स। ओके, तो बस इतना ध्यान में रखो कि पैलिंट्रोप किस में होता है, ब्रैकेपॉड में होता है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं। ओके, पैलिंट्रोप किस में होता है, ब्रैकेपॉड में होता है। ओके, अच्छा अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मसल स्ट्रक्चर। तो इसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है, 5.2 में। इट हैज बीन ऑलरेडी 15 मिनट्स, ठीक है, अगले लेक्चर में पूरा का पूरा ब्रैकेपॉड हम खत्म कर देंगे। ओके, टिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय।